लेकिन चोपड़ा साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। हम मजबूर थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, इसलिए सब कुछ आप पर डाल दिया। पर प्लीज आप भी समझिए ना, आप तो इतने पावरफुल लॉयर हैं, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, पर हम एक मजबूर लड़की है, हमारे पास उस फैमिली के अलावा और कोई सहारा नहीं। और वैसे भी ये आप ही का आइडिया था ना। Shut up. I said shut up. ये पैंतरे अपने पास रखिए आप, और ये जो बेचारी का नाटक कर रही है ना, ये कहीं और जाके कीजिएगा। मुझे आपकी असलियत पता चल चुकी है। और क्या कह रही थी आप, ये सारा मेरा आइडिया है? नो मिस मास्टरमाइंड, याद कीजिए, फोन के खोने से लेकर बिंदिया के कैरेक्टर एसेसिनेशन तक आपका आइडिया था। गलती हो गई है मुझसे कि मैंने कृष्णा जी का केस एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा मत कहिए चोपड़ा साहब, प्लीज। जो ना कहे, इस केस की वजह से मेरी रेपुटेशन, मेरी इतनी सालों की मेहनत, मेरी कामयाबी, मेरी सक्सेस, सबकी झज्जियां उड़ा दी गई है। आप प्लीज ये सब भूल जाइए ना। कैसे भूल जाए, जो कुछ हुआ है ना उसे भुलाया नहीं जा सकता, और ना ही आपको भूलने दूंगा। Just wait and watch. चोपड़ा साहब हमारी बात तो सुनिए। पायल, तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ? और चोपड़ा थी तो मैं? Leave it, Krish. तुम क्यों उस चोपड़ा के पीछे जा रहे हो? हाँ? अच्छा? और तुम क्या बात कर रही थी उससे? हाँ? सच सच बताओ कि क्या चल रहा है तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं चल रहा क्रिश, क्या बोल रहे हो तुम? पायल, ये पहली बार नहीं है जब हमने तुम्हें चोपड़ा से बात करते हुए देखा। इससे पहले भी हम कई बार तुम्हें उससे बात करते हुए देख चुके हैं। और ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा था तुम्हारा उसके साथ? क्या बोले जा रहे हो, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे थे हम उसके साथ। अच्छा, और जो हमने अभी अपनी आंखों से देखा वो? अरे क्रिश, हम वॉशरूम जा रहे थे, वो हमें रास्ते में मिल गया और तुम्हारा गुस्सा सारा हम पे निकालने लगा, बोलने लगा कि तुम डिवोर्स चाहते ही नहीं हो। एक्चुअली हमें लगा कि क्या लगा कि हम चोपड़ा से मिले हुए, इतना ही जानते हो तुम हमें? हमारा मतलब वो नहीं था पायल, पर पायल जरा तुम ही सोचो, किसी की इज्जत उछाल कर उसको बदनाम करके डिवोर्स लेना सही होगा क्या? बिल्कुल नहीं क्रिश, बिल्कुल भी नहीं। भले ही आज हम बिंदी से अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन रिश्ता तो सगी बहन का है ना। और आज जो तुमने कोर्ट में बिंदिया के लिए स्टैंड लिया ना, उसके बाद हमारे दिल में ना तुम्हारे लिए और प्यार बढ़ गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सच कहें पायल, तो आज हमें खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? अरे क्योंकि बिंदिया के साथ जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, उसके रिस्पॉन्सिबल तो हम ही है ना। ऐसा मत सोचो क्रिश। सोच तो हम ये रहे हैं पायल, कि अगर जल्दी डिवोर्स लेने का ये तरीका है तो हम सालों साल इंतजार करने को तैयार है। क्या क्या कहा तुमने? तुम सालों साल इंतजार करने के लिए तैयार हो, और हम? हमारा क्या, हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने? एग्जैक्टली, नहीं सोचा। सही कह रहे थे चोपड़ा साहब कि तुम ना डिवोर्स लेना ही नहीं चाहते हो, और पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें अब हमारे में कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। पायल, तो क्या कह रही हो तुम? सही कह रहे हैं हम। एक लड़का एक लड़की में ना तब तक इंटरेस्ट दिखाता है जब तक उसके साथ फिजिकल रिलेशन ना हो जाए। कितनी घटिया बात कह दी आज तुमने पायल। अगर तुम हमारे बारे में ये सोचती हो तो छोड़ क्यों नहीं देती हमें? क्रिश, 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 प्लीज हमारी बात तो सुनो। क्रिश, हमारी बात तो सुनो। क्रिश, हमारी एक बार बात तो सुनो प्लीज। क्रिश, क्रिश, हमारी बात तो सुनो प्लीज। कृष्णा जी इतने गुस्से में काहे निकल गए यहाँ से? अरे हमें क्या पता क्यों निकला है गुस्से में, वो भी हमें अकेले छोड़ के। बस इतना पता है कि गुस्से में निकला है। बाबू, कृष्णा जी इतनी तेज गाड़ी चलाकर कहाँ गए होंगे? देखो बेटा, उसके मन में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा, वो अपने मन की भड़ास निकालने कहीं गया होगा। पर कहाँ? तुम तो जानती हो बेटा,
जब उसे गुस्सा आता है तो उसकी गाड़ी कहां जाकर रोकती है मालूम है ना? गिरीश सब ठीक है ना भाई? कोर्ट की प्रोसीजिंग कैसी रही? ओ गर्म मिजाज, ये क्या कर रहा है? तू कब से पीने लग गया? थोड़ी से अभी से पीने लग गया, तुझे कोई दिक्कत? अरे नहीं यार, कोई प्रॉब्लम है तो बता ना यार, कोर्ट में कुछ चल रहा है क्या? बता दे रहे हैं तुमको, अभी हमारे सामने कोर्ट का नाम भी मत लेना। छोड़। नहीं, जब तक तू प्रॉब्लम नहीं बताएगा तब तक मैं सॉल्यूशन कैसे बताऊंगा? प्रॉब्लम जानना चाहता है तू? सॉल्यूशन बताएगा? सुन, प्रॉब्लम ये है कि हमारी पूरी लाइफ प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम बिंदिया के लिए कुछ सही करने जाते हैं तो पायल के साथ गलत हो जाता है। फिर प्रॉब्लम ये है जब हम पायल के साथ कुछ सही करने जाते हैं तो प्रॉब्लम बिंदिया को हो जाती है। फिर प्रॉब्लम ये है कि जब हम दोनों के लिए कुछ सही करने जाते हैं तो प्रॉब्लम हमें हो जाती है। सुन लिया प्रॉब्लम? चल बता सॉल्यूशन। क्या हुआ? हो गया ना ढेर? नहीं मिला ना सॉल्यूशन? मिलेगा भी नहीं, बस थोड़ी देर के लिए हमें ये पीने से राहत जरूर मिल जाएगी, समझा? क्या बकवास कर रहा है तू? तू रहने दे, मैं पी लूंगा। सुन, क्यों रहने दे? अरे तुम ही लोग तो ज्ञान पेलते रहते थे ना कि जैसे ही दो पैग अंदर गए वैसे ही सारे गम धुल जाते हैं। तो बस भाई, हमें भी अपना दर्द हल्का करना है। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है भाई। हमारे दर्द से बढ़कर आपका दर्द कैसे हो सकता है कृष्णा जी? तुम यहाँ क्यों आई हो? हम आपके पास आए थे। हमारे पास आई थी? तो फिर यहाँ से वापस जाओ, चलो निकलो। हमें कुछ देर अकेला रहना है, इनफैक्ट हमें तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और हाँ, ये बोतल यहीं रख के जाओ, चलो। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे जानती भी हो कि इस बोतल के अंदर है क्या? हाँ कृष्णा जी, जानते ही शराब है जो सेहत के लिए बहुत बुरी होती है। अरे यार निक्कू, समझा इसको। और तुम ना, हमें अभी अच्छे बुरे का ज्ञान दो ही मत। ठीक है कृष्णा जी, हम ज्ञान नहीं दे रहे, बस हम इतना कह रहे हैं कि मत पीजिए। क्यों ना पिए? हमारा मन पिए ना पिए, हमारी मर्जी। और तुम क्यों हिटलर बन रही हो? लाओ दो बोतल। तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ोगी? बोतल दो हमें। नहीं छोड़ेंगे। बोतल दो हमें बिंदिया। अरे बोतल दो हमें। नहीं देंगे। बिंदिया बोतल हमें दो। नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा बिंदिया बोतल छोड़ो। हमने कहा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पहाड़ में जाओ। निकू, दूसरी बोतल लेके आ। भाई यार एक ही थी यार, बड़ी मुश्किल से एक ही बोतल। क्या मतलब एक ही थी? अबे अपने पापा वाली बोतल ले आ। जा। नहीं यार, पापा मारेंगे यार, मैं नहीं ला सकता यार पापा वाली बोतल। भाई मैं कुछ नहीं जानता, हमें दारू पीनी है अभी, चल लेकर क्या। कृष्णा जी आ गई हो क्या तुम? ये क्या कर दिया बिंदिया तुमने? खड़ी रहो सीधी। चढ़ गई भाई इसको, गई है। कृष्णा जी, पर बिंदिया तो एक ही है। दो? एक। बैठो इधर।
ले देख ले मुसीबत, ऐसे आती है मुसीबत मेरे पास। भाई हम ना पागल हो गए हैं यार, अब हमसे नहीं बर्दाश्त होगा यार। पता नहीं भगवान भी हमारी कौन सी बात से बुरा मान गए हैं यार। एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी मुसीबत नंगे पांव हमारे पास आ जाती है, वो भी एक्सप्रेस हाईवे से। अब और नहीं झेला जाएगा भाई हमसे। पता नहीं क्या मुसीबत है ये बिंदिया, कृष की लाइफ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ ना। अबे ओए, तुसी तू कहाँ निकल रहा है पतली गली से? भाई रात होने वाली है और तू ना बिंदिया भाभी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। देख तेरी वजह से बिंदिया भाभी ने दारू पी है, तू दारू पीने वाला था यार, तो सारी गलती तेरी है भाई। अबे ओ घनचक्कर, हमें सॉल्यूशन बताने के बजाय तू हमें गलती गिनवा रहा है। अबे कैसा भाई है तू, जैसे ही भाई पर मुसीबत आई साथ छोड़ दिया भाई का। और तू कैसा भाई है बे, हैं? अपनी मुसीबत मेरे गले पे टांग के जा रहा है। वाह तू है भाई, एक तो मेरी पूरी की पूरी दारू खत्म कर दिया तू। अबे तो अब क्या करे इस मुसीबत। अबे बिंदिया कहां गई? हमें क्या पता। अबे यही तो थी। हाँ अरे यार, अब ये मिस सुहागन मिस्टर इंडिया कब से बन गई यार, पलक झपकते गायब हो गई बता। अबे ढूंढना खड़ा क्या है, जाना ढूंढना। अरे यार देख लिया ना मुसीबत को, ऊपर जाके देख कहीं ऊपर ना गई हो। बोले रे जो गया सट सट सटाक, कल जो करेगा भरेगा आज। हया हया हया, सुन ले बहना भैया। तुझे जितनी चालाकी करनी है तू कर ले पायल, पर तू अपनी चालबाजी से कभी जीत नहीं पाएगी और ना ही कभी हमारी जगह ले पाएगी। तुझे षड्यंत्र रचने का बहुत शौक है ना, पर हमको एक बात बता, तू हमसे कभी जीत पाई है? नहीं ना पायल, कभी नहीं। और हाँ, सबसे मजे की बात तो ये है कि तेरी हार का तमाचा तुझे हमसे नहीं कृष्णा जी से मिलता है, वो भी हर बार हमेशा मिलता रहेगा। हमें मारेगी? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, अब देख तेरी हम क्या हालत करते हैं।
रहा है, क्या बदतमीजी है ये? अरे बोर आ गई हो क्या? काहे मार रही हो इस बेचारे गरीब को? अरे कोई रोको इसे। दिमाग सही जगह पर नहीं है क्या तुम्हारा? क्यों मार रही हो उसे? तू उधर देख। पता नहीं कहां चलेगी यार। कहां चली गई बिंदिया? बिंदिया बाहर निकलो। बिंदिया तो यहाँ नहीं है। देखो बिंदिया, हमने देख लिया, तुम बेड के नीचे छुपी हो, बाहर निकलो। हाँ? नीचे? नीचे तो कोई नहीं है, हम भी नहीं है। सर दर्द कर दिया इस लड़की ने। बिंदिया बाहर निकलो। हम नहीं आएंगे। कृष्णा जी और कीजिए ना, कितना अच्छा लग रहा था उड़ने में। कृष्णा जी आपने पूरा गिरा दिया, हमने कितनी मुश्किल से वो चम्मच भी गिरा दिया। देखो हमारी बात ध्यान से सुनो। कृष्णा जी बात ध्यान से नहीं, कान से सुनते हैं। सीधी खड़ी रहो ना, चुप। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ध्यान से सुनना हमारी बात बिंदिया। पहले ही ना बहुत झमेला हो गया और अब हम नहीं चाहते कि कोई नाटक हो, समझ रही हो ना तुम हमारी बात? हाँ तो अब एक अच्छे बच्चे की तरह ना घर चलो। चलो ऐसे नहीं जाएंगे अब कृष्णा जी। एक बात कहे कह लो, वो भी पते की बात है, बहुत खास है। हाँ तो कहो ना। कहे की बात बहुत सिगरेट नहीं तो फिर उस सीक्रेट। हाँ वही वही, आइए ना। आप जानते हैं मेरे पति mm-hmm.
अरे यार लो बोलो बोलो। मेरे पति मुझसे इतना नहीं इतना इतना सारा प्यार करते इतना सारा प्यार क्या करते करे भाई से। तू गाड़ी निकाल हम इसको लेकर के आते हैं। हाँ मैं निकालता हूँ छोड़ दिया बिंदिया सच्ची में नहीं कृष्णा जी हम नहीं जाएंगे।